सभी बच्चे क्लास चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर वन के फर्स्ट सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, जो आपने पढ़ा है क्लास सिक्स में। अच्छा मुझे बताओ, क्लास सिक्स में आपने क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर आपने पढ़ा होल नंबर, उसमें आपने जब 0 ऐड कर दिया तो वो हो गया होल नंबर। फिर जब माइनस वाले भी आए, -1, -2, -3 सब आए, तो जो ये जो नंबर थे जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, इंटीजर्स, तो आज अपन उसी इंटीजर को पढ़ रहे हैं। तो सिक्स क्लास में अपन ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, अपन ने पढ़ा उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा। इस क्लास में हम उसका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे। तो पहला जो एक्सरसाइज है वो क्या है, आपका क्लास सिक्स का रिवीजन है। ओके बच्चों, तो ठीक है, रेडी हो जाएं। क्या लिखा है, रिकॉल यानी कि रिवीजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो जीरो होता है ना, जीरो के राइट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव नंबर चलते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर चलते हैं। जब हम जीरो से राइट में बढ़ते हैं 1, फिर 2, फिर 3, तो क्या बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। और जब उल्टा चलते हैं -1, -2, तो छोटा होता जाता है, जीरो से छोटा -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उस ऐसे छोटे छोटे चलते जाओ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आज सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, जरा अपन देखते हैं छोटा बड़ा जो असेंडिंग ऑर्डर है ना बेटा, जरा -5, -1 और 3 को जरा असेंडिंग ऑर्डर में रखे बताओ। जो अपन ने पढ़ा है, देखो बच्चों ये पढ़ रखा है अपने, तो सबसे छोटा इसमें बताओ सबसे छोटा क्या है, -5, फिर उससे बड़ा माइनस और उससे बड़ा 3। तो अपन एक छोटी सी बात पढ़ी, ठीक है, ठीक है। तो ये, और यहाँ अगर चलेंगे बच्चों, ये तो हुआ पहली बात। और अगर मान लिया ये वाला आप नंबर लाइन लेते हो, तो जरा सबसे बड़ा 14, उससे छोटा 8, उससे छोटा 3, उससे छोटा 0, उससे छोटा -4, उससे छोटा माइनस और सबसे छोटा -16। तो छोटा सा अपन ने पढ़ा हुआ है सिक्स में, उसको अपन ने रिवीजन कर दिया। जरा ये वाली एक्सरसाइज कौन करेगा, इसमें इसे लगा हुआ है, तो यहाँ पर -2 है, यहाँ तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों बताओ, -1 होगा, तो एच पे क्या होगा, 0 होगा। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ क्या होगा, -4, -5, -6, -7। कोई आपको पूछे ए का क्या वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे, -7। तो इन्होंने लिखा है कि -2, -3 और -2 तो है, ई और एफ है, तो बताओ बी क्या है, बताओ सब बच्चे बताओ बी क्या है। यहाँ पर ऐसे अपन रिकॉल कर रहे हैं, हाँ बच्चों बहुत अच्छा, मजा आएगा। बी क्या, जल्दी जल्दी बताओ, बी है -6। बताओ डी क्या है, डी है -4। बताओ एच क्या है, एच 0 है। जे क्या है, 2 है। तो ऐसे अपन अभी अभी अपन ने ये भी देख लिया। अच्छा सब बच्चे जरा ये भी कर लो छोटा सा, इसको जरा असेंडिंग ऑर्डर में रख दो, जरा चल बिना देखे, बिना मेरे सपोर्ट के, करो जल्दी से। सबसे असेंडिंग यानी सबसे छोटा पहले आएगा, तो -4 सबसे छोटा, फिर 0, ओहो गलत, देखो सबसे पहले होगा -5, फिर होगा -4, फिर होगा 0, फिर होगा 4, फिर होगा 7। तो ये अभी अभी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग सीख गए। अच्छा अब अपन ने जब क्या किया था बच्चों, कि ये जरा क्या कह रहा है कि व्हेन टू पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स आर एडेड,
दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते तो पॉजिटिव मिलता है और दो नेगेटिव को मिलता है तो पॉजिटिव नहीं है, ये पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स, ये क्या बेटा ये फॉल्स है, फॉल्स क्या लिखेंगे इसको फॉल्स। थर्ड वन क्या है, व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर एडेड वी ऑलवेज गेट नेगेटिव, ये भी गलत है तो इसको भी क्या कहेंगे फॉल्स, क्योंकि जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है ना उसका अपन साइन लगाते हैं। चलो ठीक है, और कुछ ये पूछा है एडिटिव इनवर्स, माइनस एट, एट का एट होता है, एट का माइनस एट होता है, एडिटिव इनवर्स उल्टा, एट का इनवर्स एडिटिव इनवर्स माइनस एट। फिर पूछ रहा है ये वाला, ये ट्रू सही है कि गलत है बताओ। चलो सबसे पहले अपन ये करते हैं, ये बताओ ये माइनस टेन प्लस थ्री क्या वैल्यू होगी इसकी, आंसर क्या होगा बच्चों माइनस का सेवन, और टेन माइनस थ्री क्या होगा प्लस का सेवन, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो कुछ अपन जरा प्रैक्टिस करते हैं, जब कभी माइनस माइनस जोड़ना, माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस थ्री मान लिया इसको आपको जोड़ना है तो माइनस माइनस सबको जोड़ दो तो आ जाएगा कितना, सात और तीन सेवन और तीन टेन एंड देन माइनस का सिक्सटीन। अगर मैं कहूं आपको सेवन माइनस का और प्लस का सिक्स है तो आप क्या लिखोगे बच्चों, माइनस का वन। अपन को सिंपल सिंपल सी तरीके से सीखना है, कल को मैं आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन बता रहा हूं तो उसमें जब माइनस प्लस आए ना तो माइनस और प्लस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर जो बड़ा होगा उसका निशान आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां एट प्लस का है माइनस का सेवन है तो प्लस का वन आएगा। मान लिया फाइव प्लस फोर माइनस सिक्स प्लस एट माइनस सेवन हो तो क्या लिखोगे करो, तो अपन क्या करेंगे 5 प्लस 4 प्लस 8 को ऐड कर देंगे, माइनस 6 माइनस 7 को अलग अलग कर देंगे, इसको जरा काउंट करेंगे 12 और 17 हो गया, माइनस का हो गया 13, आंसर आ गया प्लस का 4। ठीक है, इजी है। अच्छा एक और बात ध्यान में आई है कि जब कभी प्लस लिखना होगा ना बेटा प्लस, तो जरूरी नहीं है ऑलवेज आप प्लस लिखो, आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो। अगर केवल कोई संख्या लिखी है, कोई नंबर लिखा है, उसके आगे कोई निशान नहीं है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है, और लेकिन माइनस अगर है तो आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, छोटी छोटी बातें समझ में आ गई। तो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे अपन फटाफट एग्जांपल करेंगे। ये जरा पॉजिटिव टू पॉजिटिव जोड़ा, ये आ गया पॉजिटिव टू पॉजिटिव सारे जोड़ दिए, ये आ गया। जब माइनस सिक्स और माइनस सेवन है तो आंसर भी माइनस में आ गया, यहाँ पर दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आ गया, यहाँ पर दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आ गया। लेकिन अगर मान लिया ऐसा है माइनस का सिक्स प्लस का सिक्सटीन हो तो क्या करोगे, अभी अभी अपन ने पढ़ा है ना, तो प्लस बड़ा है सिक्सटीन में से नाइन घटा देंगे, आंसर क्या आएगा बच्चों सेवन आ जाएगा। तो जरा ये सब करके बता दो मेरे को, माइनस का 56 प्लस का 73, प्लस बड़ा है 17, माइनस का 113 प्लस का 82 माइनस बड़ा है तो माइनस 31, 16 और माइनस 23 माइनस बड़ा है तो माइनस का 7, और 125 प्लस बीच में लगा रखा आगे माइनस है तो भी माइनस ही होगा। इसको भी बच्चों ऐसा कभी आ जाए ना तो कैसे लिखोगे इसको, 125 माइनस 101 आंसर आ जाएगा प्लस का 24। ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा एडिटिव इनवर्स का अपन ने पढ़ा था, 10 का उल्टा माइनस 10, माइनस 10 का उल्टा एडिटिव इनवर्स 10, 76 का माइनस 76 और माइनस 77, तो कभी आपको एडिटिव इनवर्स करना हो तो प्लस माइनस का उल्टा कर दो। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब बात आ रही है, अभी अभी वैसे अपन पढ़ चुके हैं 56 माइनस 73, अभी अभी अपन ने पढ़ा है तो ये माइनस का आंसर आया ही है। लिखने अगर मान लिया ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसा ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, ये अच्छा क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया सीखने वाली चीज है। 56 माइनस माइनस 73, अब इसका आंसर क्या आएगा, बस ये चीज सीखने वाली है जो अपन ने सिक्स में किया हुआ है, अपन रिवीजन कर रहे हैं, इधर भी माइनस है अंदर भी माइनस है,
तो इसका तरीका सिंपल सा याद कर लीजिए, ऐसा जब माइनस माइनस होगा तो आप प्लस करके 73 करेंगे, जैसा इसने यहाँ किया है, और आंसर आ गया है 129। एक चीज सीख रहे हो, सीखे, वापस करो जरा, आगे वाला क्वेश्चन करो जरा, ये करो, माइनस 79 माइनस 45, तो माइनस से कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस का 124 कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां क्या देखो आप, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, माइनस का 100 माइनस बाहर फिर माइनस 172। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अच्छा मैं जो पढ़ा रहा हूं ना आपको, तो आपको साथ के साथ में क्या करना है बच्चों, हाँ इसको जैसे जैसे एग्जांपल आते जा रहे, जैसे जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ, आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन करोगे, फिर रन करोगे, फिर क्वेश्चन, ऐसे करना है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या करोगे बताओ, माइनस का 100 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 172, आंसर क्या आ गया 72, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, अच्छा ठीक है। तो अपन जरा इसको भी देख लेते हैं, और यहां पर फॉर्मूला क्या देखो, ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी अगर आपके पास है तो आंसर भी आएगा a प्लस माइनस बी, इसका मतलब भी होता है a माइनस बी, और अगर a माइनस माइनस बी है तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, बस ये याद रखो। वैसे तो इसको समझता हूँ, तरीका ये है कि उसका एडिटिव इन्वर्स करना होता है वगैरह, पर आप उसमें अभी उलझो मत, क्योंकि अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा एग्जाम में, तो अपने को प्रैक्टिस करने से अपन सब सीख जाएंगे। कुछ ये पैटर्न है, पूछते हैं कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं, आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत सिंपल है। अब ये 7, 7 है, फिर 3 है, फिर माइनस, अभी कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या आपको, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 4 गया माइनस 1, माइनस 1 को भी माइनस 4 किया तो माइनस 5, उससे छोटा तो माइनस 9, फिर करते जाओ माइनस 9 में 4 करो, माइनस 9, उसके बाद माइनस, माइनस का 13, फिर माइनस का 17, ठीक है बेटा। अब ये बताओ जरा, माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6, माइनस 8, फिर क्या आएगा आगे बताओ जल्दी से, माइनस 10, माइनस 12, माइनस 14, ठीक है चलते जाओ पैटर्न है। फिर यहाँ क्या लिखा है 15, अब उल्टा चल रहा है 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0, इसका मतलब माइनस 5 करना, तो माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15, लास्ट करो 11, माइनस 8, 3 कम हो रहा है, फिर माइनस 5, फिर 3 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर ये माइनस 2, अब इसमें 3 जोड़ना है, ये बन जाएगा 1, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 7, ये छोटा सा है लेकिन एक बार शांति से इसको समझ लेना, शांति से समझ लेना। छोटी सी चीज है पर समझते जाना है और इंटरेस्ट डेवलप करते जाना है। अब सीधे आ गए अपन एक्सरसाइज 1.1 पे, और ये एक्सरसाइज जो है ना अपन ने 6 क्लास के बेस पे अभी अभी अपन ने पढ़ा है, वो सब बातें इसमें पूछेंगे, ठीक है बच्चों। तो जरा आ जाओ, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड और डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे, ठीक है, नंबर लाइन आपको बताई हुई है, ये क्या है 0। अच्छा ये बेंगलुरु का टेम्परेचर बोलिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री, शिमला 5 डिग्री, श्रीनगर -2 डिग्री है कि नहीं है, और लाहौल स्पीति बताइए -8, हाँ। तो अब अपने को क्या पूछा है जरा देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर, अपन ने लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव, सबसे हॉटेस्ट कौन है भैया, सबसे हॉटेस्ट है बेंगलुरु 22 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे कोल्डेस्ट
लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेंटीग्रेड. तो व्हाट द डिफरेंस? सो डिफरेंस इज 22 minus -8 = 30 degree Celsius. दोनों में 30 डिग्री का डिफरेंस है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? अब बताओ, लाहौल स्पीति और श्रीनगर में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है? -8 लाहौल स्पीति है, -2 तो श्रीनगर है, तो -6 का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन लिखोगे कैसे? लिखोगे इसको -8 - -2 = -8 + 2 = -6 degree Celsius. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करें. कैन वी से टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर? शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को यदि जोड़ दिया जाए तो वो शिमला से भी कम है क्या? अच्छा, अभी करते शिमला और क्या जोड़ना है? श्रीनगर. तो शिमला है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस करना है श्रीनगर का -2, तो आंसर आ जाएगा 5 - 2 = 3. तो 3 डिग्री सेल्सियस, तो 3 तो छोटा है, 3 is smaller than 5, सो टेम्परेचर टेकन टुगेदर इज शॉर्टर देन, लेस देन शिमला. ठीक है, अगला क्या पूछ रहा है? एंड इट इज ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर. श्रीनगर से भी कम है क्या? श्रीनगर का -2 है, ये 3 है, तो ज्यादा है ना भाई. तो इट इज नॉट लेस देन श्रीनगर, इट इज मोर देन श्रीनगर. सिंपल पहला क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. मिटाता हूं. इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन टू करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्क्स आर गिवन टू इनकरेक्ट आंसर. इफ जैक स्कोर्स 5 सक्सेसिव राउंड्स, 25 - 5, 10 - ये. अब जैक को अलग अलग राउंड में कितने नंबर मिले? पहली बार उसको मिला 25, फिर मिला -5, फिर मिला -10, फिर मिला 15, फिर मिला 10. बताओ कुल कितने नंबर हुए? व्हाट द टोटल? एड इट. तो 25 आप ऐसे लिखने का, -5 + -10 + 15 + 10. फिर क्या लिखोगे? 25 - 5 - 10 + 15 + 10. अब प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस माइनस को भी जोड़ दो. करो 25 + 15 + 10 - 5 - 10. ठीक है, अब तीनों को जोड़ दीजिए. तो 25 और 15 40 + 10 = 50 - 15 एंड आंसर इज 35 marks उसको मिले. क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे को टेम्परेचर था -5 एंड इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे. ड्रॉप्ड, छोटा हुआ है, कम, तो कितना होना का? कम हुआ है भैया, तो -5 - 5 - 2 = होगा -7 डिग्री सेंटीग्रेड. कम हो गया है, बड़ा नहीं है, कम हो गया है. ठीक है, व्हाट वाज द टेम्परेचर श्रीनगर ऑन ट्यूजडे? ट्यूजडे इट्स टेम्परेचर ऑफ -7. ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड. अब वो मंगलवार से यानी ट्यूसडे से वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ गया, तो क्या लिखोगे?
माइनस फोर माइनस सेवन, माइनस सेवन प्लस फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो था मंडे को माइनस फाइव, ट्यूसडे को हो गया माइनस टू इज इक्वल टू माइनस सेवन, वेडनेसडे को हो गया प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री डिग्री सेल्सियस। ओके, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबोव द सी लेवल, समंदर के लेवल से ऊंचा एरोप्लेन उड़ रहा है 5000 मीटर। नीचे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एग्जैक्टली सबमरीन है, पनडुब्बी है सबमरीन, और वो नीचे है पानी के नीचे 1200 मीटर। तो बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। वैसे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि बोले यार ये तो 5000 है और ये माइनस का 1200 है, क्योंकि वो तो सी लेवल के नीचे, तो आप आंसर ले दे दोगे 3800, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना सबमरीन के और उसका एरोप्लेन के बीच में, तो क्या करना है, सिंपल अपन को क्या करना है बच्चों, उसको ऐड कर देना है। क्या करोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एंड द सबमरीन इज 5000 प्लस 1200 इज इक्वल टू 6200 मीटर। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर करेंगे फाइव। मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज इन इस बैंक अकाउंट, विड्रॉ करता है 1642 रुपीज। इफ विड्रॉल अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड फाइंड द बैलेंस ऑफ द मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। ठीक है, तो मोहन डिपॉजिटेड 2000 रुपीस। मोहन डिपॉजिटेड, क्वेश्चन नंबर फाइव, मोहन डिपॉजिटेड 2000 रुपीस। उसने विड्रॉ किया है 1642, विड्रॉ किया है रुपीस 1642। If you are giving negative sign to the withdrawal, then deposit करने वाले को अपन बोलेंगे positive sign, तो there will be positive 2000 और minus का हो जाएगा 1642। अब बताओ कितना पैसा बच गया उसके अंदर account में, बताओ। तो answer आएगा 358 rupees। बस very simple answer, लेकिन language आप बनाना, मोहन deposited इज इक्वल टू प्लस 2000 रुपीज, मोहन विड्रॉज इज इक्वल टू माइनस 1642, द अमाउंट विच इज इन द अकाउंट बैलेंस इज दिस वन, एंड यू विल राइट दिस, ऑल्सो राइट रुपीज, इजी। रीटा गोज 20 मीटर टुवार्ड द ईस्ट फ्रॉम ए। रीटा यहां पे खड़ी हुई है, यहां से ईस्ट की ओर जा रही है 20 किलोमीटर, और बी से रीटा क्या कर रही है, बी से वापस वो जा रही है वेस्ट की तरफ, कितना जा रही है टुवार्ड पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव दिस, रीटा 30 किलोमीटर। यहां से रीटा क्या कर रही है, उल्टा जा रही है बी से इधर, कितना जा रही है 30 किलोमीटर। और ईस्ट को तो अपन बोलेंगे पॉजिटिव और वेस्ट को बोलेंगे नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, तो लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर सिक्स, रीटा मूव्स टुवार्ड द ईस्ट इज इक्वल टू प्लस 20 किलोमीटर, रीटा मूव्स टुवार्ड द वेस्ट इज इक्वल टू माइनस 30 किलोमीटर,
द डिफरेंस इज 20 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10 किलोमीटर. इट मीन्स रीटा इज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए. ऐसे आपको आंसर मिलेगा. हाँ, ये लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ. यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सो दैट यू कैन राइट योर सेल्फ लैंग्वेज ऑल्सो, यू कैन फॉर्म योर सेल्फ. बट द ट्रिक, एग्जाम को कैसे वो क्वेश्चन को करना है, वो ट्रिक इंपॉर्टेंट है. ये कोई मैजिकल स्क्वायर दिया हुआ है, और मैजिकल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कि उसका जो है ना बेटा, रो को ऐड कीजिए, तीनों रो को ऐड कर दीजिए, तीनों कॉलम्स को ऐड कर दीजिए और डायगोनल्स को भी ऐड कर दीजिए. तो अगर सेम वैल्यू आ रही है तो हम कहेंगे ये मैजिकल स्क्वायर है. देखते हैं कौन सा मैजिकल है, अभी देखते हैं. हाँ, करिए ऐड. 5 माइनस 1 माइनस 4 0, इसको करिए. माइनस 5 माइनस 2, माइनस का 7 प्लस का 7 0, ये है 0 प्लस 3 माइनस 3, ये भी 0. वाह, तो रो तो आपके 0 आ गए. कॉलम देखते, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 माइनस 2 प्लस का 3 यहाँ भी आ जाएगा 0, माइनस का 4 प्लस का माइनस का 3 प्लस का 7 ये भी 0. तो रो तो 0 आ गए सारे के सारे, कॉलम भी 0 आ गए. अब ये मैजिकल स्क्वायर है कि नहीं, तो अपन को क्या चेक करना है बच्चों, अब अपन को चेक करना है डायगोनल. तो यहाँ इस वाले डायगोनल में आ रहा है आंसर माइनस का 6, ओ हो हो, और इधर वाले डायगोनल में क्या आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है. तो एक डायगोनल में गड़बड़ आ रही है, इसलिए मैजिकल स्क्वायर नहीं है. दूसरे वाला चेक करो, दूसरे वाला करो, ये है कि नहीं. ये हो जाएगा माइनस 9, ये भी माइनस 9, ये भी माइनस 9, ये माइनस 9, ये भी माइनस 9, और ये भी माइनस 9. ठीक है, डायगोनल ये भी माइनस 9, और ये वाला डायगोनल ये भी माइनस 9. सो द आंसर इज द सेकेंड स्क्वायर इज ए मैजिकल स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी नहीं, क्यों ऐसे करना है, इसको एग्जाम में लायक नहीं है. अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9, माइनस 8 माइनस 4 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 12 यहां आ रहा है, माइनस का 8 प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4. अब बीच में जो ब्लॉक है, बॉक्स है, उसमें अपने को लगाना है ग्रेटर देन शोर देन. तो माइनस 12 और माइनस 4 में बड़ा कौन है बताओ, ये बड़ा है. माइनस 4 बड़ा है, माइनस 12 छोटा. ठीक है, इसको जरा ऐड कीजिए. माइनस का 3 माइनस का 19 प्लस का 7, तो कितना हो गया, 19 और 3 हो गया 22, माइनस का 7, उसको 7 से घटाया तो हो जाएगा 15, तो ये आएगा माइनस का 15. इधर देखो जरा, ये आ जाएगा बच्चों माइनस 15 है, माइनस 8 माइनस 9 कितना हो गया 17 माइनस का, और 15 है तो माइनस का 2. कौन बड़ा है, माइनस 2 बड़ा है कि माइनस 15 बड़ा है, जल्दी बताओ. माइनस 2 बड़ा है. तीसरा करो, 23 और 11 है, करो इसको प्लस को, तो ये माइनस 7 आएगा. इसको जरा करो तो ये आ जाएगा 23 और माइनस 11 माइनस 41, तो हो गया 52 को माइनस, तो 23 में से माइनस करो, ये आ जाएगा माइनस का 29. बड़ा कौन है बताओ, बड़ा है माइनस 7. ये भी करो, 39 के बाद माइनस 24 माइनस 15, तो 24 और 15 ये भी 39, ये तो हो गया 0. इधर देखो 36, अब ये कैसे करें, वापस देखो 36 प्लस 52 और ये हो जाएगा प्लस का 36, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस है, तो आंसर आ जाएगा, ओहो नहीं सॉरी,
आंसर क्या आएगा? देखो 36 माइनस का 52 प्लस का 36, तो आंसर आ जाएगा 20। अब 20 बड़ा है कि जीरो बड़ा है? पॉजिटिव 20, तो क्या होगा बच्चों? ये बड़ा, 20 बड़ा। करो इस क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्ट होता है। माइनस का 231 और ये प्लस के 751, तो ये आ गया माइनस का 101 और इधर क्या आएगा? माइनस का 159। बड़ा कौन है? माइनस 101 बड़ा है। जितना माइनस में छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। ओके, तो ये अपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और अब इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, ये बंदर वाला क्वेश्चन। वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉपेस्ट टॉप मोस्ट स्टेप, ऊपर ही ऊपर बंदर बैठा हुआ है ऊपर वाली सीढ़ी पे, और पानी जो है वो नाइन्थ स्टेप पे, नाइन्थ स्टेप पे ऊपर पे तो बैठा हुआ है बंदर पहली वाली पे, और नाइन्थ वाली सीढ़ी पे है पानी, बीच में सीढ़ियां कितनी? 8। पहली पे वो बैठा है, नवी पे अपने को जाना है। बंदर बड़ा स्पेशल है। बंदर क्या करता है? ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप, 3 स्टेप नीचे उतरता है 2 स्टेप चढ़ता है। बड़ा जोरदार बंदर है। अब कितने छलांग लगाएगा कि वो पानी पे पहुंच जाए, बताओ बंदर क्या करेगा? बंदर क्या करेगा? माइनस का 3 नीचे उतर रहा है फिर वापस ऊपर चढ़ रहा है, तो एक स्टेप ही नीचे उतरा, फिर माइनस 3 नीचे उतरा, फिर वापस 2 ऊपर चढ़ गया, फिर एक नीचे उतरा 2 उतर गया, फिर माइनस 3 नीचे उतरा प्लस 2 ऊपर, फिर एक नीचे, मतलब एक माइनस का हुआ, तीसरी स्टेप पे पहुंच गया, फिर माइनस 3 प्लस 2 तो ये चौथी स्टेप पे बैठा है, फिर माइनस 3 जब किया तो फिर माइनस 3 प्लस 2 किया तो ये पांचवी स्टेप पे आ गया। देखते जाओ माइनस 2 प्लस, है ऐसे कर रहे अपन, माइनस 2 प्लस दिस 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 दिस, हर बार में वो एक एक स्टेप नीचे उतरा है, क्योंकि 3 नीचे उतरता है 2 चढ़ता है, 3 नीचे उतरता है 2 नीचे चढ़ता, तो अल्टीमेटली एक एक नीचे उतरा, तो ऐसे 5 वे स्टेप पे पहुंच गया। फिर अगला जब वो जंप मारेगा माइनस 3 तो सीधा 8वें पे पहुंच जाएगा, बस यहां आपके आ जाएगा 8वां स्टेप। तो कितने स्टेप हुए गिनो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आंसर क्या आएगा? 11 स्टेप्स में बंदर पानी की लेवल पे पहुंच जाएगा। मस्त क्वेश्चन है, बंदर बड़ा जोरदार है। अब इस बंदर ने पानी पीने के बाद क्या करता है? ये बंदर ये क्या करता है? After drinking water, he wants to go back. For this, he jumps 4 step. एक बार 4 सीढ़ियां छलांग मारता है और 2 वापस नीचे आता है। आते वक्त तो 3 और 2, जाते वक्त 2, 4 और 2. ओके, तो कितनी स्टेप में पहुंचेगा? एक बार तो वो चढ़ेगा 4, फिर माइनस 2 करेगा, फिर प्लस का 4, फिर माइनस करेगा, फिर तो कितना हो गया, ये 2 चढ़ गया, फिर ये 2 चढ़ गया, फिर प्लस का 4 किया, सीधा वो पहुंच जाएगा 8वें पे। हाँ, तो बंदर जो है 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। That is your answer for this question. ठीक है, तो ये सभी अपन ने पढ़ाई कर ली क्लास 6 के लेवल की, और अब जरा अपन पढ़ ले 7 क्लास के लेवल का। अब थोड़ा सा अपन सीखेंगे, हाँ थोड़ी प्रॉपर्टी समझेंगे, फिर अपन क्या करेंगे बच्चों, फिर अपन सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले फटाफट प्रॉपर्टी पढ़ लो, क्लोजर अंडर एडिशन। जब कभी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं ना बच्चों, तो हमेशा इंटीजर ही मिलता है। वेन एवर वी आर एडिंग टू इंटीजर्स वी विल गेट इंटीजर्स, सो इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, जरा देखो सब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या,
यहाँ पर 40 आया है, यहाँ पर आया माइनस का 7, यहाँ पर आया है माइनस का 57, ये माइनस का 6 आ गया, यहाँ 0 आ गया, ये माइनस का 20 आ गया, ये माइनस का 45 आ गया। तो सारे के सारे इंटीजर हैं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, फॉर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज एन इंटीजर। सब्ट्रैक्शन में भी होता है कि नहीं होता है, जब दो इंटीजर को माइनस करोगे तो इंटीजर मिलता है कि नहीं मिलता है, तो यहाँ पर माइनस टू मिला, बिल्कुल ठीक है। यहाँ हो गया 17 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 38, ये भी इंटीजर है, ये 6 भी इंटीजर है। ये हो गया माइनस का 21 प्लस का 10, तो माइनस का 11, ये भी इंटीजर है। 32 प्लस 17 हो जाएगा, हाँ तो कितना हो जाएगा 49, ये भी इंटीजर है। और ये माइनस का 18 प्लस का 18 जीरो, और ये माइनस का 29, सारे के सारे इंटीजर हैं। फिर अपन वापस लिखेंगे, दस ए एंड बी क्या लिखेंगे, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए माइनस बी इज आल्सो इंटीजर। ये अपना हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द सब्ट्रैक्शन, बहुत इजी है, कोई इसको ज्यादा टेंशन नहीं करना है। दूसरी है कमुटेटिव प्रॉपर्टी। कमुटेटिव का मतलब होता है उल्टा पुल्टा करना, यानी कि मैं आपको कहूं कि 3 प्लस 5 को जोड़िए या 5 प्लस 3 को जोड़िए, तो दोनों का वैल्यू अलग अलग आता है क्या? नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कमुटेटिव उसकी प्रॉपर्टी है, ये कमुटेटिव है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब यहाँ पर इसको ट्राई करके देख लो, सेम आता है। सब्ट्रैक्शन में जब अपन करेंगे ना बच्चों, तो ये सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कमुटेटिव। उल्टा पुल्टा करोगे ना बच्चों तो आंसर गलत आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 5 माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू होता है 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 होता है, लेकिन मैं कहूँ माइनस 3 माइनस 5 आंसर आएगा माइनस 8। यहाँ तो पॉजिटिव का 8 है, यहाँ तो आपको देखो ये आ गया, ये पॉजिटिव वेट है, ये नेगेटिव वेट है, तो उल्टा पुल्टा किया तो वैल्यू चेंज हो गई, इसलिए ये कमुटेटिव नहीं है। एक होती एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव यानी इसको कहते हैं तीन जने हो तो आपस में दो दो का ग्रुप कैसे कैसे भी बनाओ। मान लिया ये तीन जने हैं, माइनस को 5, फिर प्लस का, फिर वापस माइनस 3, फिर प्लस का माइनस का 2। मैं इसको ऊपर वाले को मिटा दूं आपको। अब इसको मैं आंसर निकालूं और एक में आंसर निकालूं, इसको दोनों को पहले इसको जोड़ूं और दोबारा ऐसा करूं मैं कि माइनस का 5 प्लस माइनस का 3 और प्लस का माइनस 2, अब इन दोनों को जोड़ूं, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस का 8 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 10, और इसको जोड़ता हूँ तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 10, यानी कि दोनों वैल्यू सेम होगी। तीन इंटीजर हो आपस में कैसे भी ग्रुप बना के जोड़ दो, इधर का उधर उधर का इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन कहेंगे कि ये एडिशन में क्या है, एसोसिएशन है। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, कैसे भी आप ऐड कर सकते हो। एडिटिव आइडेंटिटी, अब ये नई चीज हो रहे हैं, जीरो जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी भी चीज में जीरो को जोड़ो जोड़ो वैल्यू चेंज नहीं होती, जीरो को जोड़ो जीरो को घटाओ कुछ भी नहीं फर्क नहीं पड़ता। माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8, माइनस 23 प्लस 0 माइनस 23, माइनस 59 61, और ये आंसर तो यहाँ जीरो, तो ये सब आ गए। इधर 0 प्लस माइनस का 43 ये आ जाएगा, और कुछ भी जोड़ दो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो जीरो जो है क्या फॉर्मूला दिया, ए प्लस जीरो बराबर होता है ए, और या तो जीरो प्लस ए भी होता है ए, ये अपना फॉर्मूला आ गया ये वाला।
एग्जाम्पल नंबर वन पढ़ लो, कोई ये कह रहा है अपने मन से करो, ऐसा कुछ पेयर बनाओ कि जिसका सम आए, तो माइनस वन माइनस टू ये आ गया। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे तो एग्जाम्पल देना है। ये कह रहा है अगर आपको डिफरेंस माइनस फाइव लाना है तो ऐसे कर सकते हो, माइनस का नाइन, माइनस बीच में लगाओ, माइनस का फोर तो भी आता है, और ऐसे भी कर सकते हो। केवल एग्जाम्पल है, तो ये सारे ये एग्जाम्पल्स हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो पूछता है कभी कभी कि आप अपने मन से लिखो पेयर्स, अब जरा आ जाते हैं अपन एक्सरसाइज 1.2 पे। सब बच्चे रेडी हो? मैं जल्दी जल्दी करूं, फिनिश करें, रेडी हो गए? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, राइट डाउन पेयर्स, अपने मन से लिखो, ऐसा कुछ लिखो कि सम माइनस सेवन आए। लिखो, मैं लिखता हूँ माइनस का सेवन, माइनस का टू, आंसर आएगा माइनस सेवन। डिफरेंस माइनस टेन, माइनस का टू, माइनस का एट, माइनस टेन। सम माइनस सम जीरो, माइनस का फाइव प्लस का फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरा करो, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स एट। नेगेटिव नेगेटिव लिखना है, लिखो जल्दी, लिखो यहाँ, लिखो कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखते हैं माइनस का टू एंड माइनस माइनस का टेन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का टू प्लस का टेन इज इक्वल टू आंसर एट। ऐसे अपने मन से एग्जाम्पल है ये, कुछ याद करने का नहीं है, एग्जाम्पल है ये। और इसको करना है सी को तो करो, राइट नेगेटिव इंटीजर विद पॉजिटिव इंटीजर एंड डिफरेंस इज थ्री, तो लिख दो माइनस का फाइव प्लस का टू इज इक्वल टू माइनस थ्री। ये एग्जाम्पल है, एनी टाइप ऑफ पेयर यू कैन मेक। मैंने अपने मन से लिखा, आप भी अपने मन से लिख सकते हो, जरूरी नहीं इसी को रटना है, कैसे भी लिख सकते हो। मिटा दूं, मिटा दूं, मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं इसलिए आ जाओ। इन ए क्विज टीम ए रिकॉर्ड, टीम ए को मिला है माइनस फोर्टी और टेन और जीरो, तो माइनस का फोर्टी प्लस का टेन प्लस का जीरो इज इक्वल टू, टीम ए को तो नंबर मिले माइनस थर्टी, टीम बी को कितने मिले जरा बताओ। यार टेन प्लस जीरो प्लस माइनस का फोर्टी इज इक्वल टू टेन प्लस जीरो माइनस फोर्टी इज इक्वल टू माइनस का थर्टी, तो दोनों को सेम आंसर मिला। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, अपन मिलेंगे कैन वी से दैट वी कैन एड इंटीजर्स ऑन एनी ऑर्डर, हम किसी भी ऑर्डर में अगर उसको लिखते हैं तो आंसर भी मिलता है। दोनों टीम ने विच टीम स्कोर्ड मोर, सो बोथ टीम हैव इक्वल स्कोर। ये पहला बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन लास्ट करें बच्चों, फिर अपन अगले सेशन में जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स करो, माइनस एट प्लस माइनस एट, तो यहाँ क्या आना चाहिए माइनस का फाइव, तो सेम आ जाएगा। यहाँ लिखूँ मैं जीरो, यहाँ लिखूँ मैं माइनस का सेवनटीन, यहाँ क्या लिखूँ जरा लिखा हुआ नहीं है इसमें, हाँ ये इधर आ गया, तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस का सेवन, तो ये आंसर आ जाएगा। और ये वाला माइनस फोर, ये अंदर ये लिखा है, इसको इसको जोड़ सकते हैं, और प्लस का इसको यहाँ पर माइनस थ्री भी लिख सकते हैं। समझ लेना, ये अपना पहला सेशन खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इंटीजर्स पे अपन पर जाने के बाद एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.3। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन, और बड़ा अच्छा लंबा सा है देखो, बड़ा ये एक्सरसाइज करनी है अपने को, तो पूरा एक्सरसाइज खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो बी रेडी। So we will meet in class
टू क्लास सेकेंड फॉर दिस चैप्टर. ओके.